नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नागफनी पौधे की, जिसका वनस्पतिक नाम ओपुंसिया इलेटोर है, जो कैक्टसी प्रजाति का है। ये कैक्टस यानी कि तुहर की प्रजाति का है। इसको इंग्लिश में प्रिंकली पियर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको नागफनी हटथोरिया नागफन, उर्दू में इसको नागफनी, उड़िया में नागोफेनिया, और इसको कन्नड़ में छप्पाती गली, गुजराती में चोहर ठालो, और पंजाबी छितर तोहर, और इसको अंग्रेजी में स्लीपर थोन के नाम से भी जाना जाता है। यह मूल रूप से मेक्सिको में पाया गया है, लेकिन ये आजकल भारत में भी और शुष्क प्रदेशों में विशेष तौर से पाया जाता है, क्योंकि इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ये घरों या खेतों के बाहर या खेतों में बाड़ के रूप में लगाए जाते हैं। ये सीधे खड़े होते हैं और इनकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है, जिसमें आपका मूल कांड है वो आपका मोटा होता है, और इसमें कांटे लगे होते हैं, ताकि कम पानी में भी ये फलीभूत हो जाता है। इसके पुष्प के अंदर आइसोसोक्रेटिन, आइसोसेमनेसिन, क्यूरेटिन, नाइसिन, ग्लूकोसाइड और बीटा सिटोस्टाइल एसीटेट का ग्लूकोसाइड पाया जाता है। इसके फल के अंदर विटामिन, शर्करा, खनिज, लौह तत्व, मैंगनीज आदि पाया जाता है। नागफनी के बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं। देखिए, इसका जो स्वाद होता है साथियों, वो तीखा होता है, लेकिन इसकी प्रकृति बहुत ही उष्ण होती है, ठीक है ना। ये आपका कफ निषाद, रक्त शोधक और दर्द नाशक होता है। इसके बहुत से औषधीय उपयोग है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं आँखों के बारे में। नागफनी का जो गुदा होता है वो बहुत मोटा होता है, उसको काटने पर जैसे गुदा निकलता है, उस गुदे को अगर हम पीस कर मसल कर हम आँख के चारों तरफ लगाते हैं, तो आँख के रोग, जैसे आँख से पानी आना और आँख आई फ्लू होना, जिससे वो इससे ठीक हो जाता है। लेकिन साथियों, ध्यान रखें कि अगर गुदा लगाते हैं तो वो आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके साथ अगर साथियों, आपका इसका जो फल होता है वो बहुत ही श्वास में बहुत ही लाभदायक है। विशेष तौर से इसका 1-2 ग्राम आपका नागफनी का जो फल का चूर्ण है, फल के चूर्ण, फल को हम सुखा देते हैं, फिर इसका चूर्ण बना लेते हैं, और उस चूर्ण को हम मधु के साथ यानी शहद के साथ खाते हैं, तो आपकी खांसी, श्वास, कुकर खांसी, काली खांसी भी कहते हैं उसे, वो एकदम से ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये पेट दर्द में भी बहुत काम की है, जैसे आपका कब्ज रहती है तो इसे सब्जी बना के खाते हैं या गुदे के ऊपर हल्दी लगा कर खाते हैं, तो आपकी कब्ज एकदम से ठीक हो जाती है, और इससे आपका जो बवासीर है वो भी ठीक हो जाता है। इसके सेवन से अतिसार यानी कि दस्त जो होती है वो भी ठीक हो जाती है। साथियों, शरीर में खून की कमी होने की वजह से और इससे पीलिया रोग भी हो जाता है। इन खून की कमी और पीलिया रोग में इस नागथोर के फलों का रस निकाल कर या उसको कूट कर चूर्ण बनाकर अगर लेते हैं तो इन रोगों में बहुत ही फायदा होता है। बहुत सारी माताओं बहनों को श्वेत पदर की बहुत बीमारी होती है, जिसकी कारण उनका शरीर टूट जाता है। अगर इसके अंदर इसके फल को अगर 1-2 ग्राम फल का चूर्ण का सेवन करते हैं तो उसे श्वेत पदर की बीमारी ठीक हो जाती है, इसे सुजाग ठीक होता है। और इसके पुष्प का सेवन करने से पुरुषों में जो पुरुष ग्रंथि वृद्धि एनलार्जमेंट और प्रोटेस्ट ग्लैंड के अंदर भी लाभ होता है। ये प्रोटेस्ट जो अगर बढ़ जाता है तो व्यक्ति बहुत ही दुखी रहता है, और उस प्रोटेस्ट को कम करने में, बढ़ने से रोकने में आपका ये नागथोर बहुत ही उपयोगी है। देखिए साथियों, इसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों के अंदर देखिए म्यूसिलेज, लवण और शर्करा पाई जाती है। और बहुत सारी जगह जैसे जोड़ों में दर्द है, कटिया बाई है, इनमें इसके लेप लगाने से इस दर्द कम हो जाता है, सूजन ठीक होती है,
ठीक है ना साथियों, ये त्वचा रोगों के लिए भी रामबाण औषधि है। अगर हम नागफणी को पीस कर घाव पर लगाते हैं तो घाव जल्दी भर जाता है और इससे कीटाणु संक्रमण जन्य वर्णों के रोपण हेतु इसको पीस कर घाव पर लगाते हैं, इससे दूसरे कीटाणु या घाव जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके अलावा नागफणी को पीस कर त्वचा पर लगाते हैं तो दाद, खाज, खुजली जो होती है वो ठीक हो जाती है और इससे आपकी जो त्वचा है वो ग्लो करने लगती है, चमकने लगती है। कभी कभी फोड़े हो जाते हैं या चोट लग जाती है अंदरूनी तो दर्द करता है, तो यहाँ पर क्या करना है, नागफणी के पत्तों को पीस कर गुनगुना करके लेप अगर वहाँ पर लगाते हैं तो वहाँ से दर्द ठीक हो जाता है और ले और फोड़ा जो जल्दी पक जाता है, पीप बन जाता है, जल्दी फूट जाता है, इससे राहत मिलती है दर्द में। नागफणी के कांड को पीस कर लगाने से जो जलन होती है, दर्द होता है, वो एकदम से ठीक हो जाता है। नागफणी को पीस कर आघात जन्य जगह पर लगाते हैं उसे आपका दर्द ठीक होता है। इसके अलावा साथियों ये कैंसर, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इस कारण ये कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से भी रोक देता है। इसके अंदर आपका B12 पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे जैविक यौगिक पाए जाते हैं जो हमारी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाते हैं। इस पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाने के कारण हमारे बहुत सारे रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।